हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, ये हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन चैप्टर 12 का नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिपोर्ट। एक रिपोर्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है? कंप्लीट डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो कंप्लीट होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, जितनी भी सच्चाइयाँ हों उनको सिस्टमैटिक वे में प्रेजेंट करना चाहिए। प्रिपेयर्ड इन राइटिंग, ये क्या होना चाहिए? खुद से लिख के प्रेजेंट होना चाहिए, रिटर्न फॉर्म में ही होना चाहिए। प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन एंड गाइडेंस, इसमें क्या होता है, या तो हमें इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए या तो किसी को कोई बात के लिए गाइडेंस देनी चाहिए, ठीक है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डॉक्यूमेंट, हम खुद से एक्सप्लेन करें, हमें ऐसा डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए। एक्ट्स एज अ टूल ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन, ये किस तरीके से काम करता है? इंटरनल एक दूसरे से बात करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है, वैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एक्ट एज अ परमानेंट रिकॉर्ड, इसको हम लोग परमानेंट इन फ्यूचर के लिए भी रिकॉर्ड की तरह यूज़ कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर फिर भी कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।